इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात जिंदगी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ लाखों अफराद ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगियां गुर्बत में गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा इस्लामी मुल्क भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क में सोने की बारिश होती है, क्योंकि इस मुल्क में आपको कोई भी गरीब तलाश करने से भी नहीं मिलेगा और इस मुल्क के बादशाह की शाहाना तर्ज जिंदगी आपको हैरान कर देगी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुल्क और इसके बादशाह की शाहाना जिंदगी के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपने पहले शायद ही कहीं सुना होगा। वेलकम टू एक्सप्लोर फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम जिस मुल्क के मुतालिक बात करने जा रहे हैं उसका नाम ब्रुनाई है और यहाँ के बादशाह का नाम हसन अल बोल्किया है, जिन्हें दुनिया उनकी ऐशो इशरत और शाहाना जिंदगी के लिए जानती है। ब्रुनाई एक नहायत छोटा सा मुल्क है जो की मलेशिया और साउथ चाइना सी के दरमियान आबाद है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 4.25 लाख के करीब है, लेकिन हम आपको बता दें कि इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी ब्रुनाई का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में किया जाता है। दुनिया की मशहूर मैगजीन कंपनी फोर्ब्स ने भी इस मुल्क को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में रखा हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ब्रुनाई में मौजूद तेल और गैस के बड़े बड़े जखायर है। यही वजह है की ब्रुनाई में आपको बेरोजगारी का दूर दूर तक नामोनिशान भी देखने को नहीं मिलेगा। ब्रुनाई एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए इसकी अक्सरियत आबादी मुसलमान है, जबकि दीगर कुछ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी यहाँ आबाद हैं। ब्रुनाई कुदरती खजानों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से हर ताकतवर मुल्क उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। इस मुल्क पर बरतानिया और जापान ने कई मरतबा हमले भी किए, जिनके नतीजे में इन दोनों ममालिक ने ब्रुनाई को काफी देर अपने मातहत भी रखा, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी जंग अजीम के बाद इस मुल्क में बादशाहत दोबारा कायम हुई, जिसके बाद से इस मुल्क के हालात तब्दील होना शुरू हो गए। मगर उस वक्त भी ब्रुनाई के बादशाह को कुछ ज्यादा इख्तियारात हासिल नहीं हुए थे। ब्रुनाई को 1 जनवरी 1984 को बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल हो गई, इसलिए यहाँ के लोग इस दिन को यौम आजादी के तौर पर मनाते हैं। जिस वक्त ब्रुनाई को आजादी हासिल हुई उस वक्त इस मुल्क के सुल्तान हसन अल बोल्किया थे, जो अभी तक इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं और आगे चलकर इनकी नस्लें उनकी जगह संभालेंगी। ये तो बात हो गई इस मुल्क की, लेकिन अब बात करते हैं इस अमीर तरीन मुल्क पर हुकूमत करने वाले सुल्तान की शाहाना तर्ज जिंदगी के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सुल्तान हसन अल बोल्किया का खानदान नस्ल दर नस्ल कई सालों से इस मुल्क पर हुकूमत करता आ रहा है। सुल्तान के बारे में हम आपको बताते चलें कि इन्हें जाती तौर पर सोने से काफी ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि आज तक शायद ही उन्होंने कोई ऐसा लिबास पहना हो जिस पर सोने का काम न किया हो। उनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि एक महीने में शायद ही कोई ऐसा लिबास हो जिसे ये दूसरी मर्तबा पहनना पसंद करते हों, वगरना ये हर रोज नया लिबास ही पहनते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुल्तान जिन अशिया को इस्तेमाल करते हैं वो भी कम कीमत नहीं है। इनके बारे में ये कहना गलत ना होगा कि ये सुल्तान हकीकतन मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, क्योंकि आपको शायद ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जब सुल्तान हसन अल बोल्किया को ब्रुनाई का सुल्तान मुकर्रर किया गया तो उनकी उम्र महज 21 साल थी और इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है। दोस्तों, इनकी दौलत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हसन अल बोल्किया की कुल जायदाद की कीमत तकरीबन 20 अरब डॉलर्स है और इस दौलत में हर हफ्ते 5 करोड़ यूरो का इजाफा हो रहा है। सुल्तान हसन अल बोल्किया के घर की बात करें तो इनके घर को छोटा गांव कहना गलत ना होगा, क्योंकि इस घर को दुनिया का सबसे बड़ा घर कहा जाता है। इस घर का नाम असाना नूरुल ईमान है। ये महल दरियाए ब्रुनाई के करीब तामीर किया गया है। इस महल में कमोपेश 1788 कमरे, 257 बाथरूम और एक बड़ा हॉल है, जहां एक वक्त में 5000 अफराद बैठकर खाना खा सकते हैं। इस महल के अंदर ही एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ 1500 अफराद नमाज पढ़ते हैं। इसके अंदर एक गैराज भी मौजूद है जहाँ हसन अल बोल्किया की जाती 300 से ज्यादा गाड़ियाँ हम वक्त मौजूद होती हैं। इसके अलावा इस महल में दीगर कई मकामात भी मौजूद हैं, जिनकी आराइश पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए हैं। अगर आप इस महल के हर कमरे को महज 30 सेकंड के लिए देखकर गुजरते रहें, तब भी आपको इस महल को पूरा देखने के लिए कमोपेश 24 घंटे आसानी लग जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि सुल्तान को घोड़े की सवारी का भी काफी शौक है, जिसके लिए उन्होंने अपने महल में एक अलहदा अस्तबल भी बनवा रखा है, जहां उनके 200 से जायद उम्दा नस्ल के घोड़ों को एयर कंडीशनर माहौल में रखा गया है। सुल्तान के इस महल को हेड ऑफ स्टेट और दीगर ममालिक के खास मेहमानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी महल के अंदर सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी मौजूद है, जहां से ये अपने मुल्क के तमाम तर इंतजाम देखते हैं। इस महल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त है कि यहाँ सुल्तान के हुक्म के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस नहायत खूबसूरत महल को महज ईद उल फितर के 3 दिन अवामुन नास के लिए खोला जाता है। इन दिनों इस महल में लाखों अफराद आते हैं, जिन्हें इस महल के हाल में बिठाकर बेहतरीन खाना खिलाया जाता है।
ये महल तो इनकी बेशुमार दौलत का एक छोटा सा हिस्सा है। इनके इसके अलावा भी कई ममालिक में बड़े बड़े घर, कारोबार और फैक्ट्रियां मौजूद हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया को महंगी तरीन गाड़ियां रखने का भी काफी ज्यादा शौक है, जिसकी वजह से उनके पास दुनिया में किसी भी दूसरे फर्ज से ज्यादा गाड़ियों का महंगा तरीन कलेक्शन मौजूद है। उनके इस शौक का अंदाजा आप इस कार से लगा सकते हैं जिसे सुल्तान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कोई आम कार नहीं बल्कि इस कार को दुनिया की महंगी तरीन कंपनी रोल्स रॉयस ने खास सुल्तान के लिए बनाकर तैयार किया है, जिसमें खालिस सोने और निहायत कीमती हीरों का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, इस कार को बनाने के बाद रोल्स रॉयस कंपनी ने इस तरह की कोई दूसरी कार नहीं बनाई। ये कार डिजाइन महल सुल्तान हसन अल बोल्किया के लिए वक्फ कर दिया गया, जिसकी वजह से ये गाड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ सुल्तान के पास ही है। इसके अलावा सुल्तान के पास अपना जाती जहाज भी मौजूद है, जिसके ऊपर खालिस सोने की चादर चढ़ाई गई है। इस वक्त इस जहाज की कीमत तकरीबन 220 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इस जहाज को अंदर से भी सोने और हीरों से आरास्ता किया गया है, जिसकी वजह से ये जहाज अंदर से किसी महल से कम महसूस नहीं होता। जहाँ दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान हसन अल बोल्किया बजाते खुद भी एक माहिर पायलट है, जिसकी वजह से ये अपना जहाज ज्यादातर खुद ही उड़ाते हुए नजर आते हैं। इस निहायत कीमती जहाज के अलावा सुल्तान के पास 6 छोटे जहाज और 2 हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया के शाहाना शौक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह के मौके पर खुद को बतौर तोहफा एक स्टेडियम गिफ्ट किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने माइकल जैक्सन को परफॉर्मेंस के लिए बुलवाया। इसके मुताबिक कहा जाता है कि उन्होंने माइकल जैक्सन को इसे एक परफॉर्मेंस के लिए 17 मिलियन डॉलर्स की एक भारी रकम अदा की थी। सुल्तान हसन अल बोल्किया ने जब अपनी बेटी की शादी की तो इस शादी की तकरीबात पूरे 14 दिन तक जारी रही और इस शादी पर कुल 50 मिलियन डॉलर का खर्च आया। इस मौके पर दुल्हन के लिए एक खास कार को सोने, चांदी और हीरों से सजाया गया। इतना ही नहीं बल्कि हसन अल बोल्किया ने अपनी बेटी के लिए खास हीरों से बना हुआ ताज भी बनवाया, जिसकी कीमत मलका बरतानिया के ताज से भी कई गुना ज्यादा थी। सुल्तान ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की, जिनमें से 2 को ये तलाक दे चुके हैं, जबकि पहली बीवी प्रिंसेस सालिहा आज भी उनकी जोजा हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।